This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. This video is sponsored by Shivam Enterprises, Main Road, East Gao Market, official distributors of Jabronix sound speakers, wholesale and retail dealers of all types of electronic items. शुभम एंटरप्राइजेस में चल रहा है दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए से ज्यादा की खरीदी करने पर पाए एक फ्री लकी ड्रॉ कूपन। दिवाली के अगले दिन होगी लकी ड्रॉ। भाग्यशाली प्रतियोगियों को फर्स्ट प्राइज में मिलेगी 42 इंच की एलईडी टीवी, सेकंड प्राइज में मिलेगी एक वॉशिंग मशीन, थर्ड प्राइज में मिलेगी एक अलमारी। 20 भाग्यशाली लोगों को मिलेगी कॉन्सोलेशन प्राइजेस। शुभम एंटरप्राइजेस में आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और होम अप्लायंसेस मिलेगी। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। जल्द से जल्द खरीदी करें और पाइए लकी ड्रॉ कूपन। क्या पता आप भी हो सकते हैं लकी ड्रॉ विनर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9951962631। दुर्गा देवियों की विसर्जन यात्राओं का दौर कल लगातार जारी रहा। कहीं पर ढोल नगाड़ों के बीच विसर्जन यात्रा हुई तो कहीं साउंड सिस्टम के ताल से ताल मिलाकर युवकों को नाचते देखा गया। ऐसे में बाजार में मौजूद दुर्गा नगर की युवा दुर्गा मंडली ने कल शहर में अलग ही माहौल बनाया। महाराष्ट्र से ढोल और ताशे की टीम आई थी। पूरे बाजार को सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसा दृश्य इससे पहले कभी कागजनगर में नहीं देखा गया। काफी लोगों ने इस मनोरम शोभा यात्रा की वीडियो बनाई और इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम ने काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब सड़कें छोटी हो, खराब हो और मौसम भी बरसने लगे, तब रास्ते में गाड़ी चलाना अपने आप में एक काफी बड़ी चुनौती बन जाती है। कागजनगर तो विशेष रूप से लॉरियों का अड्डा है। मंचेरियाल की तरफ जाते समय एक तो सिंगरेनी कोल माइन से निकलने वाली कोयले की लॉरियों से रोड भरा हुआ होता है, दूसरी तरफ देवापुर और बसंत नगर से आने जाने वाली सीमेंट की लॉरियों ने रास्ते जैम कर रखे हैं। रही सही कसर एसपीएम और बल्लारपुर के लिए लकड़ियां ले जाने वाली लॉरियों ने पूरी कर दी है। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आरटीसी की बसों की तेजी घट गई है। मंचेरियाल हैदराबाद जाने में काफी देरी होती जा रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र जाते समय भी घाट रोडों पर आए दिन लॉरियां पलट जाती है, जिससे कि सड़क जैम हो जाती है। ऐसे में हम कागजनगर के लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां 4-लेन हाईवे बनने तक ये सब चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। कागजनगर में लगातार बारिश का दौर जारी है। शहर में तो काफी कम वर्षा हुई, लेकिन पहाड़ों पर मौजूद गांव में काफी परेशानियां देखने को मिली। कहीं सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं पूरी की पूरी सड़क ही पानी में बह गई। कुछ गांव में टूटी सड़कों की मरम्मत की जा रही है। बारिश के बीच दुर्गा देवियों का विसर्जन किया गया। भीग भीग कर लोगों ने विसर्जन यात्रा निकाली। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पहले 400-500 रुपए में थैली भरकर सब्जी आती थी, लेकिन सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने सभी के जेब में आग लगा दी है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर ने लोगों को तोड़ कर रख दिया है, वहीं दूरी और सब्जियों ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। भिंडी ने 60 का दाम छू लिया है। लौकी, हरी मिर्च और करेला ने भी हाफ सेंचुरी लगा ली है। टमाटर ने तो एक हफ्ते में 10 से सीधे 25-30 की छलांग मारी है। आम आदमी की सब्जी आलू और प्याज ने भी गजब कहर बरपाया है। 40-50 के नीचे कुछ मिल ही नहीं रहा। ऐसे में लोगों के अंदर हाहाकार है।
इस महंगाई के पीछे तीन कारण बताए जा रहे हैं। एक तो भारी बारिश ने काफी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, दूसरी तरफ कपास तोड़ने का सीजन शुरू हो गया है, जिसके कारण माल ढुलाई करने वाले और छोटी मोटी खेती करने वालों ने अपनी खेती छोड़कर रोज के 300 रुपए कमाने के लिए अब कपास तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तीसरा कारण डीजल को बताया जा रहा है, दूर दूर से सब्जियां मंगवाई जा रही है, ऐसे में सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन में डीजल ने भारी भरकम महंगाई दिखाई है। कुछ हद तक मंडी में चलने वाले सिंडिकेट को भी इसका कारण बताया जा रहा है। गांव में जब लगातार बारिश होती है, सड़कें टूट जाती है, तो वहां के खेतों से सब्जियां आने में भी काफी मुश्किल होती है, जिस वजह से दाम तो बढ़ ही जाएगी।